इसके ऊपर कुछ नहीं देखना, ये देख दो भाई साहब मजा बांध देगी पूरा ये। कैसे पता चला इनके बारे में आपको? YouTube पे सर आपका चैनल देख के ही। थैंक यू सो मच भैया। आपको आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिफाई करता है, बट ये सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ आता है। वेलकम बैक टू चैनल गाइस, कैसे हैं आप सब? होप करता हूँ सभी भाई बहुत बढ़िया होंगे। अब देखो सामने की तरफ, आज से पहले ही मैंने आपको अर्टिगा दिखा रखी है, दोबारा से सामने की तरफ लगी अपनी ऑल न्यू अर्टिगा 2022 का ZXi वेरिएंट। ZXi वेरिएंट ना पूरी तरीके से मॉडिफाई होने वाली है, गाड़ी जो है अंदर की तरफ से पूरी तरीके से ओपन हो रखी है। अभी मैं आपको दिखाने वाला भी हूँ कि इस गाड़ी के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन हो रही है, बट उससे पहले ही बार ना इसका ओवरऑल लुक देख लो गाड़ी का, बड़ी प्यारी सी गाड़ी लगती है। और कहीं ना कहीं 12-13-14 लाख के सेगमेंट में अगर आप जाते हो तो आप, अब तो ऑप्शन बहुत सारे हो गए MPV व्हीकल्स में, जैसे कि XL6 आती है, ठीक है, उसके बाद किया की कैरेंस भी आती है, तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। आपको जो पसंद हो अपनी अपने अकॉर्डिंगली अपने ब्रांड के प्रेफरेंस के हिसाब से अपनी गाड़ी जो है उसको चूज कर सकते हो। बट अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये है अर्टिगा। अर्टिगा का ZXi वेरिएंट है और ZXi वेरिएंट के अंदर काफी सारी मॉडिफिकेशन आज अपन लोग करने वाले हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पूरी गाड़ी जो है अपनी ओपन हो चुकी है भाई, तो यहाँ पे अपना डैशबोर्ड का जो सेटअप था पूरी तरीके से ओपन हो रखा है। अर्टिगा के अंदर डैशबोर्ड खुलना ये आप सबको पता है क्यों खुलता है भाई, यहाँ पे पूरा अपना जो इंटीरियर का सेटअप है अपन लोग यहाँ पे जो है रेडी करने के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। अब किस तरीके का थीम अपना रहने वाला है वो तो आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखना, जिससे कि आपको सारी चीजों की जो है क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप अपनी अर्टिगा के अंदर या फिर आपके जो भी गाड़ी है उसके अंदर किस किस तरीके से कस्टमाइजेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपना डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, इसके अंदर पूरा डैशबोर्ड का जो अपर पार्ट होता है ना उसके ऊपर अपन लोग इंटीरियर यहाँ पे करेंगे, और इंटीरियर किस कलर कॉम्बिनेशन में रहने वाला है वो आप यहाँ पे देख करके समझ गए होंगे। तो यहाँ पे बेसिकली अपना ब्लैक और टैन कलर का आप लेदर कह सकते हो, ब्लैक और टैन के साथ यहाँ पे जो है इंटीरियर में भी काम किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे स्टीयरिंग जो अपना उसको ड्यूल टोन के साथ यहाँ पे रैप कर दिया गया है, और इसको बेसिकली ना अपन लोग मून डिजाइन कहते हैं, और काफी सुंदर लगता है आपकी गाड़ी में जब इंस्टॉल हो जाता है ना, उसके बाद काफी अच्छा इसका लुक निकल करके आता है। अब किस किस तरीके से सारा सेटअप है वो आपको मैं वीडियो के एंड में एक एक चीज यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। इस गाड़ी के अंदर अपना जो सीट कवर का प्रोफाइल है वो भी बन करके इंस्टॉल होगा, वो भी आप चीजें जो है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप देखना, ठीक है। फ्लोरिंग का सेटअप होगा और मे बी कुछ इसके अंदर और भी अपग्रेड्स हैं जो कि आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बताऊं तो ये अपने रियर प्रोफाइल है अर्टिगा की, ठीक है। एक बार बूट भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। 7 सीटर के साथ गाड़ी आती है, और इस गाड़ी की में ना एक सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगती है वो है इसके CNG की प्लेसमेंट। अगर आप देखोगे ना मारुति ने बहुत दिमाग लगा करके, क्योंकि स्पेस को यहाँ पे यूटिलाइज करके बहुत एक अच्छी चीज़ दे रखी है, CNG कुछ यहाँ पे फिट करके रखा हुआ है। अब इससे क्या होगा ना, CNG के ऊपर आप यहाँ पे इजीली अपना सामान भी कैरी कर सकते हो, और कोई अलग से ना आप ऐसा नहीं लगे कि CNG लगा हुआ है सामान भी हमारे पास जगह नहीं आए रखने को, क्योंकि ऑलरेडी 7 सीटर गाड़ी है। तो भाई यहाँ पे तो आप गाड़ी देख ही रहे हो, अपने साथ प्राउड ओनर्स भी जुड़ चुके हैं। तो भैया से एक बार रिक्वेस्ट है, अपना नाम बता दीजिए भैया। मेरा नाम निशांत कुमार है। निशांत भैया सर अपना नाम बता दीजिए। राहुल जी, तो भैया कहाँ से आए थे आप? लाजपत नगर भोगल। कैसे पता चला इनके बारे में आपको? YouTube पे सर आपका चैनल देख के ही। थैंक यू सो मच भैया। आने के बाद कैसा लग रहा है? अभी पूरी गाड़ी आपके सामने खुली पड़ी है, खुली हुई है, उसके बाद जब इंटीरियर हो जाए जब पता लगेगा, बढ़िया लगेगा। तो भाई साहब देख रहे हो पूरी गाड़ी भैया ने खुलवा दी है, इंटीरियर में काफी अच्छा आपने जो है थीम वो चूज किया है, और ब्लैक और टैन का जो कलर कॉम्बिनेशन है ना बहुत अच्छा लुक आने वाला है गाड़ी में बन करके, ठीक है। तो डैशबोर्ड भैया ने मेन जो इसका पार्ट अट्रैक्शन पॉइंट जो रहेगा वो डैशबोर्ड का रहेगा, गत्ते भी अपने खुले पड़े, गत्ते में भी इंटीरियर होना है। पिलर्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 6 के 6 पिलर्स यहाँ पे, 6 नहीं बोलूंगा मैं, 8 पिलर है, क्योंकि इसके अंदर डी पिलर भी आता है अपना, तो 4 इधर 4 इधर 8 पिलर अपने जो है यहाँ पे रैप होने वाले। तो जैसा ऐसा सेटअप रहेगा भाई वीडियो के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तो बने रहना वीडियो के साथ। तो भाई अपनी अर्टिगा का यहाँ पे देख लो, डैशबोर्ड अपना रेडी हो चुका है, बाकी पैनल्स भी अपने रेडी हो चुके हैं, पिलर्स वगैरह सारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है, और भाई लोग जो यहाँ पे क्रेटा का एक इंटीरियर जो है वो बनाने में लगे हुए हैं। तो ये क्रेटा का अपना भाई बेस वेरिएंट का अपन लोग इंटीरियर बना देगा। ओके तो भाई इसमें भी सेम एज इट इज टैन कलर का लग रहा है, और आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, क्रेटा के अंदर ना या फिर टैन कलर एक ऐसा कलर ऑप्शन है जो कि हर एक गाड़ी के साथ बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो यहाँ पे भी आप देख लो क्रेटा का भाई जो है पूरा पैनल वगैरह सब यहाँ पे रेडी कर रहे हैं, और इस टाइप का आपको जो AC वेंट वगैरह सारी चीज़ के अंदर देने मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो है अर्टिगा तो रेडी हो चुका है, अब चलते गाड़ी के अंदर, और गाड़ी में आपको दिखाते हैं फिटमेंट किस तरीके से इसकी की जाने वाली है। तो भाई फाइनली अपनी अर्टिगा तैयार हो चुकी है, मैंने आपको अर्टिगा दिखाई थी ना पहले जब अपना पूरा डैशबोर्ड ओपन हो रखा था, आपने उस समय भी काफी सारे सेक्शन इसका देखा, काफी सारे बिफोर शॉट्स देखे। अब फाइनली अपनी जो है डैशबोर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, पूरा टैन कलर का अपना जो गाड़ी के अंदर थीम है वो रेडी कर दिया गया है, इंटीरियर काफी सुंदर लग रहा है इस गाड़ी में, और भाई मतलब बहुत प्यारी तरीके से जो गाड़ी है अपनी फाइनली रेडी होकर निकली है। आप लोग क्या कहते हो फाइनली कॉमेंट सेक्शन में बताना, कॉमेंट करके गाड़ी देखने के बाद कि हाँ फाइनली आउटपुट कैसा निकल करके आया है, मुझे भाई काफी सही लगी। और किसी भी गाड़ी के अंदर आप बात करते हो ना तो टैन कलर का इंटीरियर
इंटीरियर अपने आप में बहुत सुंदर लगता है। इस गाड़ी के अंदर भी सेम प्रोफाइल है, काफी सही तरीके का लुक निकल करके आया है। सबसे पहले मैं स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ही बात कर लूँ तो अपने जो एयरबैग वाला हब आता है इसके ऊपर ही पूरा इंटीरियर का सेटअप आप यहाँ पे देख पाओगे, रैप किया गया है, पूरा सराउंड सर्कल है भाई, बहुत प्यारा लग रहा है। अब इसके अंदर आपके पास ऑप्शन होता है, इसको आप हाइड्रो डिप भी करा सकते हो, इसको नॉर्मल भी रख सकते हो ना, तो यानी इसके पूरे लेदर राइट पूरा सॉफ्ट टच मटेरियल वाला जो सेटअप है वो करवाया है, सुंदर लग रहा है काफी। उसके बाद यहाँ पे मून डिजाइन के साथ अपने जो स्टीयरिंग है उसको रैप कर दिया गया। अब मून डिजाइन अपने आप में काफी सुंदर लगता है, स्टीयरिंग रैप में मैं बात करूँ ना तो मून डिजाइन आपको बहुत अच्छा यहाँ पे लुक ऑफर करने वाला है। ब्लैक और टैन कलर का यहाँ पे भी थीम रखा गया है, क्योंकि गाड़ी के अंदर ब्लैक और टैन का ना थीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा यहाँ पे बन करके निकलता है। बात करूँ अगर मैं यहाँ पे अपने डैशबोर्ड के ऊपर, तो ये पूरा डैशबोर्ड का पार्ट है, देख पाओगे बिल्कुल एज टू एज अगर आप देखते हो ना तो कहीं से भी आपको यहाँ पे रिंकल नहीं मिलेगा, यानी कि कहीं पे बबल नहीं आया हुआ है। साथ ही साथ ऐसा होता है बहुत बार आपने देखा होगा कि भाई ये जो लेदर है ये उखड़ने लगता है, यानी कि अपनी चिपक जो है वो छोड़ देता है, चिपकन छोड़ देता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक जगह से अगर आप देखोगे तो प्लेन आपको सर्फेस यहाँ पे देखने मिलता है, जो कि एक क्वालिटी ऑफ वर्क आप कह सकते हो कि जितनी सही तरीके से इसके अंदर बॉस्टिक लगेगी ना या फिर जितनी सही तरीके से उस चिपकाया जाएगा उतना ही बढ़िया यहाँ पे इसका जो फिनिश है वो निकल करके आता है। साथ ही साथ ये सॉफ्ट टच मटेरियल है, आपको आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है बट ये सॉफ्ट टच मटेरियल के साथ आता है, तो हल्का सा आपको यहाँ पे करीब करीब 1 mm के आसपास इसकी फोमिंग होती है, तो इसके साथ यहाँ पे इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो करी गई है। उसके बाद अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो पिलर भी अपने जितने भी है, यानी कि 8 के 8 पिलर यहाँ पे रैप हो चुके हैं ABCD, क्योंकि भाई 7-सीटर गाड़ी तो उसके अंदर डी पिलर भी आता है। नॉर्मली आप देखते हो बलिनो वगैरह 3 पिलर आते हैं ABC के नाम से आते हैं, बट इसके अंदर ABCD भी है जैसा कि स्कॉर्पियो वगैरह के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो इंटीरियर जो अपना पिलर है वो रैप हो चुका है, ए पिलर यहाँ पे देख लो, बी पिलर यहाँ पे आप अगेन देख पाओगे, ठीक है, सी पिलर आपका यहाँ पे और डी पिलर, यानी सी और डी दोनों अपना अटैच है, तो इस टाइप से पूरा फील जो है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो काफी अमेजिंग सा लग रहा है, बाकी आप लोग भाई फाइनली बताना कमेंट सेक्शन में कि जो चीजें हैं या फिर जो मेहनत है वो आपको कितनी पसंद आ रही है। बहुत अच्छी तरीके से जो गाड़ी का इंटीरियर है वो बन करके निकला है। एम्बिएंट लाइट भी यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है, एम्बिएंट का आउटपुट मैं आपको फ्लैश ऑफ करके दिखाऊंगा कि फाइनली एम्बिएंट का किस तरीके का जो आउटपुट है वो निकल करके आ रहा है। सीट कवर जब आप देखोगे ना तो आपको दिल खुश हो जाएगा, बट उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊंगा, ये अगर आप देखोगे ना तो आर्मरेस्ट का पार्ट है, यानी कि सेंटर में आर्मरेस्ट कंसोल है पूरा, ये इसके ऊपर कुछ नहीं देखना, ये देख दो भाई साहब मजा बांध देगी पूरा ये, मतलब बहुत अल्टीमेट लेवल से यहाँ पे अपनी जो है आर्मरेस्ट के अंदर कुशनिंग करी गई है। पहले क्या था, पहले बिल्कुल नॉर्मल रहता था, तो आप जब इसके ऊपर हाथ रखोगे ना अपना तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील होता है, यानी कि ऐसा लगेगा कि हाथ में आपको कुछ चुभ रहा है, बट यहाँ पे इसको बहुत मोटी फोम के साथ यहाँ पे इसको रैप कर दिया गया जिसमें कुशनिंग आप अगेन यहाँ पे देख लो काफी अमेजिंग सी आपको देखने मिलती है। साथ ही साथ लुक और फील जो है ना बहुत अमेजिंग सा आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है, क्योंकि भाई इंटीरियर भी अपना सेम उसी कलर कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पे रेडी किया गया है। तो आर्मरेस्ट का सेक्शन भी यहाँ पे आपने देख लिया। एक बार मैं डोर ट्रिम की बात कर लूँ तो जितने भी अपने डोर ट्रिम है ना सबके ऊपर सेम एज इट इज यहाँ पे काम किया गया, लेदर लाइट सॉफ्ट टच मटेरियल टैन कलर के साथ ही, और उसके ऊपर यहाँ पे अगर आप देखो तो एम्बिएंट लाइट भी है, एम्बिएंट जैसे मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको एक एक चीज यहाँ पे डिटेल में शॉर्ट करूंगा कि एम्बिएंट लाइट किस तरीके से यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। तो इसका पार्ट कुछ इस टाइप से आपको मिलता है, क्योंकि भाई अर्टिगा का ना जो पैनल है ये वाला इंटीरियर पैनल ये बहुत छोटा सा आता है, हर एक पैनल की बात करो चारों दरवाजों की बात करो तो छोटा छोटा सा ही है, तो इस पे कुछ इस तरीके से इसका इंटीरियर रैप किया गया। बट आपके पास ऑप्शन होता है, आप इसको पूरा जो है वुडन वाला जो टेक्सचर आता है वो भी लगवा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं सीट कवर के ऊपर भाई, क्योंकि मेन इसका अट्रैक्शन पॉइंट जो है इस गाड़ी का वो सीट कवर का ही है। तो एक बार ऊपर से आप नीचे तक का पूरा फील ले लो भाई, ये देख लो सीट कवर में कितने कॉम्बिनेशन है, ट्रिपल टोन के साथ आपको सीट को यहाँ पे ऑफर किए गए। अब ट्रिपल टोन किस तरीके से, एक बार पहले तो ऐसे देख लो भाई, ये देख लो काफी सही तरीके से सीट कवर जो है वो कस्टमाइज किया गया। एक बार कॉम्बिनेशन की बात कर लो तो टैन कलर अपना ओवरऑल पार्ट है, रियर में बात करो तो ब्लैक कलर का अपना सेटअप रहने वाला है, थ्रेड जो है अपने व्हाइट कलर के रहने वाले, पाइपिंग जो है अपनी ये भी व्हाइट कलर की रहने वाली है। साथ ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपना बर्फी का डिजाइन बना हुआ है, और साथ ही यहाँ पे आपका रेक्टेंगुलर शेप में जो पूरा पैटर्न है उसको रेडी किया गया एंड टू एंड तक, और ये जो पार्ट है अपना बिल्कुल प्लेन है क्योंकि आपको यहाँ पे थाई सपोर्ट के लिए काफी अच्छी ग्रिप मिल जाती है। तो इस तरीके से जो अपना सीट कवर है ऊपर से लेकर के नीचे तक यहाँ पे कस्टमाइज करके भैया के सामने बंद करके इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया गया, जिसका लुक एंड फील काफी अमेजिंग आपको देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी आपको कैसा लग रहा है ये सारी चीजें कॉमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है भाई, तो दबा के कमेंट करो, दबा के अपना प्यार दिखाओ इस गाड़ी के ऊपर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं रियर से बात करूँ तो ये आप पूरा सेक्शन देख पाओगे सीट कवर का, आर्मरेस्ट का। एक बार रियर में चलते हैं, रियर से आपको दिखा दे किस तरीके की फिटमेंट आई है, साथ ही इसके जो रियर पॉकेट्स है मैगजीन होल्डर्स है वो किस तरीके से आगे बन करके निकले वो भी आपको दिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। अभी चलेंगे अपन लोग सेंटर रो में भी, बट उससे पहले मैं अगर रियर रो की बात करूँ, पीछे वाले सेक्शन की बात करूँ, बूट की बात करूँ, तो ये देखो भाई ये एक एक फिटनेस देखो यहाँ पे,
जनरली क्या होता है ना अर्टिगा के अंदर या फिर किसी भी सेवन सीटर गाड़ी के अंदर, मैं एक्सवी सेवन डबल ओ की बात करूँ या फिर मैं अर्टिगा की बात कर लूँ, XL6 की बात कर लूँ, सिक्स सीटर में आती है, उसके बाद दिक्कत क्या आती है ना, जनरली जितने भी आपके लॉक होते हैं, लॉक ओपन करने में ना आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी यहाँ पे फील करनी पड़ती है। साथ ही साथ इस लॉक के आसपास जो फिटमेंट होती है ना बिल्कुल प्रॉपर नहीं होती, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको S2S यहाँ पे फिटिंग भी देखने मिल जाती है। साथ ही साथ इसकी जो मूवमेंट है ना, ये प्ले देख रहे हो, बिल्कुल इजी प्ले इसकी आपको देखने मिलती है। तो ये सारी जो फिट एंड फिनिश है ना, जब तक अच्छी तरीके से फिट नहीं होगा तब तक ये सारी चीज़ें नहीं निकल करके आ सकती। साथ ही साथ यहाँ पे अपना जो रियर में एक लेदर का पूरा मटेरियल है ना, जैसा कि अपना सीट कवर है, सेम उसी के साथ यहाँ पे इसको लेदर राइट किया गया है, तो ये काफ़ी एक अच्छा लुक आपको यहाँ पे ऑफर करती है। बाकी ये सारी चीज़ें मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ कि कॉमेंट सेक्शन ओपन है, आपका जो भी ओपिनियन है इन सभी को लेकर के वो कॉमेंट सेक्शन में लिख देना। बाकी देख लो फिट एंड फिनिश अगर आप एक एक कोने में देखोगे ना तो आपको काफ़ी सही यहाँ पे देखने को मिलती है। इवन इधर भी देख लो, कलर कॉम्बिनेशन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपनी गाड़ी में किस तरीके का थीम चाहिए। अब टैन कलर तो भाई हमेशा से ही फेवरेट है, हर एक भाई को टैन कलर ना कहीं ज़्यादा पसंद आता है। बट एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बताऊँ, जैसे कि एक अर्टिगा हमने व्हाइट कलर की अर्टिगा पहले रेडी करी थी जिसके अंदर पूरा ब्लू कलर या फिर स्काई ब्लू कलर का थीम रखा गया था, वो भी बहुत सारे भाइयों को पसंद था, ये भी बहुत सारे भाइयों को पसंद आएगा, और कोई और कलर कॉम्बिनेशन भी अपने बहुत सारे भाइयों को पसंद आने वाला है। तो डिपेंड करता है ऑनर टू ऑनर कि आपको अपनी गाड़ी के अंदर किस तरीके का थीम चाहिए, है ना। तो ये मैंने आपको दिखा दिया रियर से भी, एक बार सेंटर से अगेन आप यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे भी आप एक बार अगेन देख पाओगे लेदर राइट पूरा मटेरियल आपको देखने मिलता है। जो हेडरेस्ट है इसका सेटअप भी देख लो, बिल्कुल आपको S2 यहाँ पे देखने मिलता है। साथ ही साथ ऊपर से लेकर के नीचे तक का पूरा फील आप अगेन यहाँ पे चेकआउट कर पाओगे। मतलब भाई ये चीज़ ना मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि भाई अच्छी लग रही है सीट का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लग रहा है। इवन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सेंटर में जो अपना आर्मरेस्ट का सेक्शन आता है ना, आर्मरेस्ट के सेक्शन में बहुत सारे भाइयों की बहुत सारी कंप्लेन रहती है कि भाई हमारा जो है ये ओपन नहीं हो रहा है, ओपन हो रहा है तो चूं चूं चैं चैं पैं पैं की आवाज़ कर रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख लो इजी टू क्लोज है टू ओपन, आप ये चीज़ जो है वो देखने को मिल जाती है। ठीक है, काफ़ी सही सा कॉम्बिनेशन इसका भी आपको देखने मिलता है। और फ्लोरिंग का एक सेटअप था इसके अंदर जो कि कंप्लीट किया गया था यहाँ पे भैया ने, इसके अंदर मैट वगैरह जो है वो अपनी कंपनी फिटेड ही मैट जो आते हैं, यानी कि कंपनी ने इनको जो ऑफर किया था वही वाले मैट डलवाए हैं। एक्सटीरियर से इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है, जो बेसिक मॉडिफिकेशन है वो भैया ने जैसे क्रोम की कुछ एक्सेसरीज हो गई, रेन वाइजर हो गई, या फिर ये जो सेटअप अपना लोअर विंडो गार्निश का, ये सारी चीज़ें भैया ऑलरेडी कंपनी से इंस्टॉल करवा के लाए हुए थे। तो फाइनली अपनी जो न्यू आर्टिका है 2022 मॉडल, उसका सारा काम कंप्लीट हो गया है। ZXI मॉडल था, मैक्सिमम काम जो था वो कंपनी देती है। इसमें जो LXI मॉडल आते हैं स्पेशली काफ़ी सारा काम होता है जो आप करा सकते हो, और एक बहुत अच्छा पैसा भी आपको बचता है। सबसे पहले भैया से जानेंगे, भैया क्या नाम है आपका? निशांत कुमार। निशांत भैया कहाँ से आए थे आप? मैं भोगल से आया था। सबसे पहले तो बताइए आपने भैया ZXI गाड़ी जो ली है वो कितनी की है? वो सर मुझे 1395 की करनी है। और जो इसका बेस मॉडल है यानी कि LXI वो कितने का है? वो सर 11.6 यानी कि लगभग 2-2.5 लाख रुपए के आसपास आपको जो डिफरेंस है वो देखनी है। बाकी अगर बात करें ये गाड़ी स्पेशली क्यों लिया आपने, ZXI का रीज़न क्या था? ZXI का इसके फीचर सबसे मेन था, दूसरा CNG की टॉप मॉडल में। ओके, फीचर के ऊपर बात की जाए तो उसके बिहाफ पे ही। अब भैया जो आपने स्पेशली इंटीरियर कराया है, मुझे अपने फ़ोन पे ही बताया था, तो वैसा सारा काम लग रहा है कि हाँ वैसा ही? बिल्कुल बिल्कुल, मैं काफ़ी खुश हूँ, मतलब गाड़ी देख के बिल्कुल अच्छा लग रहा है। आपकी कल फैमिली भी आई थी, उन्होंने भी कहा सजेशन दिया कि ऐसे ऐसे करके करना है, आज आप गाड़ी लेके आए थे, अब सारा काम हो चुका है। बिल्कुल। तो भैया मतलब रियलिटी बताऊँ, एक दिन का काम नहीं है क्योंकि पूरा इंटीरियर पूरा हर चीज़ करना पड़ता है, पर फिर भी अगर आप टाइम पहले से लेके आते हो, कोशिश करते हैं हम 4-5 घंटे में काम हो जाए, पर कभी ज़्यादा रश होता है तो 6-6.5 घंटे में भी हो जाता है सारा काम कम्प्लीट। बाकी एक और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ है भैया, टोटल कितनी कॉस्टिंग आई है इस काम की? भैया इस काम की आई है कॉस्टली 36,000 के आसपास जो है अलग अलग। बाकी इस कॉस्ट में ये सारा काम वर्थ है? बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जो लोग आपकी वीडियो देख के आना चाहते हैं उनको आप रिकमेंड कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आइए अपनी गाड़ी को, अगर अच्छे से अच्छा इंप्रूवमेंट अंदर से अच्छे से अच्छा फीचर चाहिए जी, तो ये हमारे भाई साहब है, बड़े भाई है हमारे। नहीं नहीं भैया, मैं काम कराए उन्होंने, बिल्कुल काफ़ी खुश, मतलब अच्छा खुश करके भेजते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इसमें भी सेम काम हो रहा है, सामने देखो आप सफारी लगी है, टाटा की नई वाली सफारी 2022 वाला मॉडल, इसमें भी लगभग सेम इंटीरियर का जो सीट का और इंटीरियर का काम होता है वो सारा काम। तो जितनी चीज़ें देखो, एसेसरी का जो पार्ट है वो आपको कंपनी भी दे देती है, मैक्सिमम टाइम में आपको कंपनी देती है। एसेसरी का काम है आपको नियर बाई भी आप करा सकते हैं, पर अगर मैं बात करूँ सीट कवर की और ऐसे इंटीरियर की, वो गारंटीड कह सकता हूँ आपकी नियर बाई इस फिनिशिंग के साथ कोई नहीं कर सकता,
हो सकता है शायद कोई करने वाला हो, पर इस फिनिशिंग के साथ, इस क्वालिटी के साथ कोई भी नहीं कर सकता। यही रीज़न है, भैया भी आए थे, यही रीज़न था कि एक पहले आरटी का हमने रेडी की थी अभी थोड़े दिन पहले, उसमें स्पेशली मारुति से खुद चल के सर आए थे हमारे पास, मारुति में थे वो, उनकी आरटी का थी, उन्होंने सारा काम कराया था। पहले तो वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।